हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके ट्रेवलर में। दोस्तों आज हम घूमने के लिए आए हैं कुंभ नगरी इलाहाबाद में प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेला में। माघ मेला 14 जनवरी से शुरू हुआ था और 1 मार्च तक चलेगा। भारत में कुंभ मेले के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मेला है। माघ मेले की 3-4 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। अब हम हनुमान मंदिर की तरफ से संगम की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर स्नान किया जाता है। और जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, यह प्रतिवर्ष लोहे की चादरें डालकर बनाई जाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों लाखों की संख्या में आने वाले कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए 10,000 तंबू बनाए गए हैं। देखिए जहां तक भी आप नजर डालेंगे सिर्फ तंबू ही नजर आएंगे। लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना के रोकथाम के लिए गाइडलाइंस बताई जा रही हैं। मेले में गंदगी ना फैले और बाहर से आए श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए हरेक 50 मीटर की दूरी पर डस्टबिन, बाथरूम और पानी की व्यवस्था है। हरेक चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जगह जगह भंडारे की व्यवस्था भी है, जिसको हम वीडियो के अंत में दिखाएंगे। अब हम संगम पर आ चुके हैं, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कपड़े बदलने के लिए प्रशासन की ओर से छोटी छोटी हट बनाई गई हैं। एक बार हम संगम का पूरा परिदृश्य आपको दिखाते हैं। दोस्तों प्रशासन द्वारा यहाँ पर प्लास्टिक की कैनों से एक रेखा बनाई गई है, इसी के अंदर हमें नहाना है। विशेष स्नान वाले दिन भारी संख्या में लोग स्नान करते हैं। पानी की गहराई का पता न होने के कारण कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए यह सेफ रेखा बनाई गई है। दोस्तों संगम का नज़ारा आपको हम पास से दिखाते हैं, कहां पर गंगा और यमुना का मिलन होता है। यह है विशाल गंगा नदी, जो गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कानपुर होते हुए इलाहाबाद आ रही है। और मेरी दाहिनी साइड में है यमुना नदी, जो यमुनोत्री से निकलकर दिल्ली होते हुए इलाहाबाद आ रही है। दोस्तों अब हम संगम पर लगे एक भंडारे पर आ चुके हैं। यहाँ कैसी व्यवस्था है आप भी देखिए। यहाँ अलग अलग संस्थाओं द्वारा कई भंडारे लगे हुए हैं, उनमें से एक ये भी है। भंडारे में आप वॉलंटियर बनकर भी यहाँ काम कर सकते हैं, जिसको श्रमदान के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे माघ मेला की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।